मुंबई से एक बड़ी खबर मिल रही है, छोटा राजन को उम्र कैद की सजा हुई है। जय शेट्टी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2001 में जय शेट्टी पर की गई थी फायरिंग। मुंबई के ग्रांट रोड पर वारदात को अंजाम दिया गया था, फिरौती नहीं देने पर फायरिंग की गई थी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये पूरा मामला काफी पुराना है, 2001 का, जब जय शेट्टी पर फायरिंग की गई थी। मुंबई के ग्रांट रोड पर यह वारदात को अंजाम दिया गया और फिरौती नहीं देने पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो दाऊद का बेहद करीबी छोटा राजन, जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने, और 2001 का ये मामला है जब जय शेट्टी पर फायरिंग की गई थी, फिरौती मांगी गई थी, फिरौती नहीं देने पर फायरिंग करवाई गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पांडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी अयोध्या पहुंचे। अपनी मां की बरसी के मौके पर उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए और इस दौरान में किरण बेदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलला का दर्शन करने का मौका मिला। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एसी की इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होने के चलते यह आग लगी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की यह घटना है। टॉवर 28 के 10वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी थी, 11वें फ्लोर तक आग पहुंची। वो तो गनीमत रही कि वहां पर फायर फाइटर सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, इसलिए समय रहते आग पर कंट्रोल कर लिया गया। दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चीफ फायर ऑफिसर ने लोगों से अपील की है कि वो 24 घंटे एसी ना चलाए, एसी को बीच बीच में थोड़ा आराम भी दें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें जहां पर एसी में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद में दो मंजिल में भीषण आग लग गई। स्प्लिट एसी में लगी थी, इंडोर यूनिट के नीचे टेबल रखा हुआ था, उससे आग जो है पूर्णतः जो है पूरे रूम में फैल गई। पर अच्छी बात यह रही कि वो आग जो है एक ही रूम में फैली, उससे आगे बढ़ नहीं पाई। सभी लोग सेफ हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। परंतु मैं आपके श्रोतागण से मैं एक गुजारिश करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि देखिए ये एसी जो है अभी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है, सभी लोग एसी जिनके पास है वो चला रहे हैं, एसी का निरंतर सर्विसिंग करा लें, एसी को ब्रेक दे के चलाएं, 24 घंटे एसी को ना चलाएं। क्योंकि बिजनौर में बैंकफेट हॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और झांसी में यस बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक में आग लगी थी। बैंक के ठीक सामने पेट्रोल पंप भी है। दमकल टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।